हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गवार फली की एकदम ऐसी नई रेसिपी। बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे, तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। गवार फली की एकदम नई रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गवार फली ली है, और ये देखिए जितने मेरे हाथ में बंच आ सकते हैं ना, मैंने ऐसे बंच करके इसे इकट्ठा कर लिया है। अब मैंने इकट्ठा क्यों किया है उसका रीजन है, अब ये देखिए इसे बराबर करेंगे, और ये जो आगे वाली चोंच है ना, इसको अपन ऐसे कट कर लेंगे, ज्यादा वेस्ट नहीं होती है। और ये जो पीछे वाला पार्ट है उसको भी अपन ऐसे बराबर करेंगे पीछे के साइड में, और ऐसे बराबर करके, और इसका ये पीछे वाला वेस्ट पार्ट भी अपन कट कर लेंगे। तो ये देखिए इससे ज्यादा वेस्ट तो नहीं होती है, लेकिन अपन अगर ऐसे साफ करेंगे ना गवार फली को, ऐसे करके इसका आगे वाला पीछे वाला पार्ट हाथ से तोड़ेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और जो मैंने तरीका बताया उसे आपकी जो साफ है ना गवार फली, बहुत जल्दी हो जाएगी। और इसे ऐसे छोटी छोटी साइज में कट कर लेंगे सारी गवार फली को। अगर आप इसका चोंच ये पीछे वाला पार्ट नहीं कट करेंगे, तो ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें मिट्टी कण वगैरह रहते हैं, और ये चोंच पैनी भी रहती है ये चोंच, इसलिए अपन ने ये पहले इसको साफ करना जरूरी है। और आपको कट कर लेने के बाद इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। और सारी गवार फली मैंने कट कर ली है। गवार फली कट करने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर काचरी ली है, काचरी यहाँ पर मैंने छोटी वाली ली है, तो आपको टेस्ट कर लेनी है। ये ज्यादा ऐसे ग्रीन सी रहती है ना, और जो दबती नहीं है, अभी दब रही है तो ये तो शायद मीठी होगी, लेकिन ये इतनी ज्यादा टाइट है, ऐसी वाली काचरी को आपको टेस्ट कर लेना है, वरना कड़वी हो सकती है। अगर एक भी कड़वी निकले ना, तो ये अपनी पूरी रेसिपी खराब हो जाएगी। अब मैं टेस्ट करूंगी, थोड़ा सा ऐसे ले लेकर सारी काचरी आपको टेस्ट कर लेनी है। अपन सारे काचरी कट कर लेंगे। और नीचे से गैस ऑन करके मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, और पानी को गर्म कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, और इस टर्मरिक पाउडर को इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे रेड कलर का ऐसा हो जाएगा, और इसमें अपन ऐड करेंगे ये गवार फली। सारी गवार फली इसमें ऐड कर देंगे। सारी गवार फली मैंने ऐड कर दी है, और इस गवार फली को बॉयल कर लेंगे इसमें। और गवार फली बॉईल हो चुकी है, अब अपन नीचे से गैस बंद कर देंगे, और इनका पानी निकाल कर इन्हें ठंडा करेंगे। गैस ऑन करके इसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा अपन ज्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि काचरी में काचरी ऐड कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर काचरी ज्यादा क्वांटिटी में ली है इसलिए। और सरसों का तेल लिया है, तो इसे अपन दो बार गर्म करेंगे, इससे क्या इसकी स्मेल नहीं रहेगी। और एक बार जैसे ज्यादा गर्म हो जाने के बाद फिर से मैं नीचे से गैस बंद कर दूंगी और फिर से ऑन करूंगी। और ये देखिए मैंने दो बार प्रोसेस कर ली है, अपना तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे जीरा, थोड़ा सा लहसुन, और लहसुन हल्का सा जब फ्राई होगा तब अपन ये जो काचरी कटी है वो सारे काचरी इसमें डाल देंगे। और ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर एक एक चम्मच, यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर पानी क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये जो काचरी है अपन ने जो छोटे साइज की ली है, इसलिए अपन ने पानी ऐड किया है, पकने में टाइम लगाती है। और एक चम्मच नमक डालेंगे और मिक्स करके पकाएंगे। ये देखिए अपनी गवार फली ठंडी हो चुकी है, अब इनका पानी ऐसे निकालेंगे। वैसे भी अपन ने ये भरा था वो पानी निकाल दिया, और ऐसे पानी करके इनका निचोड़ लेंगे, इससे ये ज्यादा टेस्टी लगेगी। अगर पानी नहीं निचोड़ेंगे तो थोड़ी कम टेस्टी लगेगी, लेकिन ऐसे इसका चूरमा भी नहीं बना लेना है, हल्का हल्का इनका पानी निकालेंगे। अपनी काचरी पक चुकी है, और जिस अपन ने गवार फली का पानी निकाला था, बंच बनाया था, वो सारे इसमें ऐड करेंगे। और लहसुन तड़का लगाया तब भी थोड़ा सा ऐड किया है, और ऊपर से भी थोड़ा सा डालेंगे। प्याज वगैरह डालने की जरूरत ही नहीं है, गवार और काचरी की फली लहसुन से ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और दो मिनट इसे पकाएंगे तो लहसुन पक जाए उतनी देर, और इस गवार फली को इसमें मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए अपनी काजरी गवार फली की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं नीचे से अब गैस बंद कर दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।